12 बजे के शो के लिए 12:30 बजे। हाँ ये क्या यार? सॉरी यार, थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी? You know how much I wanted to watch this film? Listen, इतना ही important था ना, तो मुझे pick करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं tickets लेने जल्दी आया था, ये black में इतनी expensive tickets ली हुई है मैंने। हाँ, so you should have left early, ताकि तुम tickets जल्दी खरीदने के बाद मुझे pick कर पाते। खुद तो अपना time manage नहीं कर पाते हो, मुझे blame करते रहते हो। मैं तुम्हें blame नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा था थोड़ा पहले आ जाती तो हम पिक्चर देख लेते ना। मैं भी यही बोल रही हूँ, अगर तुम जल्दी टिकट्स खरीद के मुझे पिक कर लेते तो मैं लेट नहीं होती। इट्स योर फॉल्ट यार, सो जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग मी। तो अब क्या करना है? अब ये शो तो निकल गई, कोई दूसरी शो की टिकट मिले तो खरीद ले। और इनका, मैं इनका क्या करूंगा? गॉड, व्हाई कांट यू जस्ट गेट ओवर सच अ स्मॉल थिंग। तुम एक काम करो, इनको लैमिनेट करके अपने घर में लगा लो। एक तो तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे सॉल्यूशन क्यों मांगते हो? गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन कुछ गर्लफ्रेंड्स को लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के आपको कन्विंस कर देंगी कि गलती आपकी है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुमने मुझे गोलगप्पे खाने से क्यों नहीं रोका? Of course it's your fault. God, कभी खुद भी कोई सही डिसीजन ले लिया करो। मैं गलत हूँ? मैं सब decisions मैं ही लूँ क्या? मैंने मेकअप में थोड़ा टाइम ले लिया तो क्या हुआ? तुम गाड़ी तेज नहीं चला सकते? मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि तुम हर्ट ना हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह मुझे पसंद नहीं आएगी। हमेशा तुम यही करते हो। तुम्हारी वजह से मैंने 2 किलो पुट ऑन किया और खिलाओ जंक फूड। तुम कभी अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करोगे ना? थैंक्स कोड, ये जो ऑलवेज राइट गर्लफ्रेंड्स होती हैं ना, बड़ी ही डेंजरस चीज होती हैं। इनका अटैक जो है ना, इतना कॉन्फिडेंट होता है कि आपको अपने आप पर डाउट होने लगता है कि कहीं भाई मैं ही गलत तो नहीं हूँ। आपका लाइफ पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पर इसमें भी आप ही की गलती होगी कि वो तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती। पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करने गई थी और थोड़ी देर बाद उस रंजीत ने मुझे बाहर वॉक के लिए बुलाया। वॉक पर बुलाया? हाँ, मैं तो चली गई। हम क्लब से थोड़ा आगे गए और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि वो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ रहा है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ, और तुम्हें पता है उसके बाद उसने मुझे किस करने की भी कोशिश की। किस? हाँ, मैं तो इतना डर गई, मैं तो क्लब के अंदर वापस चली गई। तुम पागल हो गई हो? इस छोरे आदमी के साथ तुम बाहर क्यों जाती हो जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है? यार मैं क्यों गई? मतलब तुम्हारे पास मेरे टाइम कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। अगर तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इट्स ऑल योर फॉल्ट। क्लब में जाओ तुम, वॉक पे निकलो तुम, एंड इट्स माय फॉल्ट। हाँ, तुम्हारी प्रायोरिटीज हिली हुई है। यू शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद मी। मुझे कोई शौक नहीं है उस रंजीत के साथ क्लबिंग जाने का। एक्स कोड, अगर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है जहाँ पे गर्लफ्रेंड से आई लव यू के बजाय इट्स योर फॉल्ट सुनने को मिले, रात को अंधेरा क्यों है इट्स योर फॉल्ट, मम्मी को गुस्सा क्यों आया इट्स योर फॉल्ट, डैडी का हार्ट टूटा इट्स योर फॉल्ट, कुत्ते को लूज मोशन आने वाले हैं इट्स योर फॉल्ट, मेरी मानिए इस सारे सिचुएशन में आपकी एक ही छोटी सी गलती है और वो है आप इस लड़की को अभी तक डेट क्यों कर रहे हैं। जैसे आप ये गलती सुधारेंगे आपकी बाकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। ऑन दिस होपफुल नोट, लेट्स चेक आउट एन एक्स चिकी कोट। अ गर्लफ्रेंड इज समवन हु नोज द राइट आर्गुमेंट टू प्रूव यू रॉन्ग। इट्स टाइम नाउ फॉर एक्स डिक्शनरी। Victory, a blissful feeling that you can never experience when you argue with your girlfriend. मेरी एक बात याद रखना, a girlfriend who's always right is completely wrong for you. और अगर आपका कोई बेचारा दोस्त हो जो हमेशा गलत होता है, तो Axe Chickipedia का ये episode उसके साथ जरूर share कीजिएगा, so that he can learn more and suffer less. Kunal Fund gave us the brilliant idea to make an episode on a girlfriend who is never wrong. Thank you, Kunal, for this idea and also for sharing your experiences, which we've incorporated in our episode. और अगर आपके पास अपने पर भी कोई भी कहानी है तो प्लीज हमें लिखिए इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इन द कमेंट बॉक्स।